हेलो गाइस, वेलकम टू इजी वे स्टडी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। थोड़ी सी एनर्जी लेवल अगर आपको कम लगे उसके लिए सॉरी, क्योंकि आज सुबह के लूज मोशन लगे हुए हैं बिल्कुल, मतलब ऐसे शरीर से टूट चुका है। फुल एनर्जी के साथ स्टार्ट करते हैं। आज ही अभी ग्रुप में भी एक भाई का मैसेज आया था, उन्होंने उनको भी मैंने देखा था आज, तो उपेन्द्र यादव जी ने आज ही ट्वीट किया कि अपनी वैकेंसी पर राज्यपाल के साइन हो चुके हैं, क्रमिक बोर्ड के द्वारा साइन होते सार मतलब वैकेंसी अपने लगभग नहीं तो बहुत जल्दी वैकेंसी आ जाएगी, आप इस चीज की चिंता ना करें। एक क्वायरी थी, मैंने वैसे पहले भी ये चीज समझा रखी है, मैं थोड़ा सा अभी भी समझा देता हूं कि एक्सपीरियंस और लाइसेंस हमें कब चाहिए। हाँ, मतलब कब चाहिए कहने का सेंस कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले चाहिए या फॉर्म फिल होने से पहले। और दूसरी क्वायरी सबसे ज्यादा जो अभी आपके दिमाग में आ रही होगी कि सॉफ्ट कॉपी पहले ही मांगी जाएगी क्या एक्सपीरियंस और लाइसेंस की, क्या हमसे पहले ही बोला जाएगा आप एक्सपीरियंस और लाइसेंस दिखाओ। वो दोनों चीजों के मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं, जो अभी कंफर्मेशन नहीं है इस चीज के बारे में, सॉफ्ट कॉपी के बारे में। पर जिस प्रकार से समय परिवर्तित हुआ है 8 या 9 सालों में, तो उस अकॉर्डिंग तो आप मान के चलिए कि सॉफ्ट कॉपी आपसे मांगी जाएगी, लाइसेंस नंबर आपसे मांगा जाएगा। क्योंकि 2013 में बहुत ऐसा सीन हुआ था कि बच्चों ने पेपर दे दिया था पर उनका लाइसेंस जो था वो बाद का था, बाद का इनका सेंस, इन द सेंस नोटिफिकेशन की लास्ट डेट से पहले का आपके पास एक्सपीरियंस और लाइसेंस होना चाहिए। दूसरी बात, पास आउट होने के बाद का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये नहीं है कि आप 2016 या 17 के पास आउट हो और आपके पास एक्सपीरियंस है 2013 या 14 का, वो नहीं चलेगा। डिप्लोमा या बीटेक पास आउट होने के बाद का ही आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, इस बात का आप ध्यान में रखना। दोनों चीजें कंप्लीट कब होनी चाहिए, नोटिफिकेशन के लास्ट डेट से पहले दोनों चीजें अपने पास कंप्लीट होनी चाहिए। लाइसेंस बार बार कह रहा हूं, लाइसेंस बनवा के रखो अपना, मैं बार बार ये चीज रिपीट कर रहा हूं। जिसका भी नहीं बना हुआ प्लीज वो लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दे, अभी भी उनके पास टाइम है। अब रही बात सॉफ्ट कॉपी की, और वो थोड़ा सा आप क्लियर कर दूं क्योंकि ये स्टार्टिंग में बताना जरूरी होता है आप लोगों को, ताकि आप थोड़ा सा इस चीज में मतलब आपको क्लियरिटी हो जाए। देखो पहले क्या था कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे ही अपने सारे डॉक्यूमेंट चेक किए जाते थे, पर अब थोड़ा सा ऑनलाइन अपने शिफ्ट हो चुके हैं, ऑनलाइन शिफ्ट हो चुके हैं, तो वो लाइसेंस नंबर वगैरह सब अपने से पहले ही मांग लेते हैं। जैसे बिहार का एग्जाम हुआ था, बिहार का एग्जाम है तो उसमें लाइसेंस नंबर उन्होंने पहले ही मांग लिया था, वो सब कुछ मतलब पहले ही आपको कह देते कि आप लाइसेंस नंबर अपना पहले दे दो। क्या पता वो एक्सपीरियंस, देखो मैं 100% कंफर्म नहीं कह रहा, क्या पता वो एक्सपीरियंस के लिए अपने को पहले ही कह रहे कि आप सॉफ्ट कॉपी अपलोड कीजिए। जैसे अपने अपने डॉक्यूमेंट करते हैं, 10th की मार्कशीट होगी या डिप्लोमा की मार्कशीट वगैरह, आधार कार्ड, ये सब अपने अपलोड करते हैं, उसी प्रकार से क्या पता अपने से मांग सकते हैं, इस चीज का कोई भी कंफर्मेशन नहीं। अपनी बात आखिरी बार क्लास में खत्म हुई थी फ्यूल पंप के प्रकार पे, एक मैकेनिकल और एक इलेक्ट्रिकल, दो प्रकार के फ्यूल पंप होते हैं। आराम से पढ़ेंगे, अब अपनी क्लास थोड़ा सा लंबा लेके चलते हैं, फटाफट सिलेबस करने कंप्लीट करना है। मुझे ये लगता है कि अपना सिलेबस रह ना जाए, इसलिए अब अपने थोड़ा खींचेंगे सिलेबस को। चलिए अभी अपने बात करते हैं। अच्छा, डिस्कस कर रहे थे अपने फ्यूल पंप के बारे में, इस चीज को ध्यान में रखना। ये दोनों चीजें होगी थी, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। उसके बाद कार्बोरेटर और फ्यूल पाइप और इनलेट मैनिफोल्ड कोई भी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, दो चीजें इंपॉर्टेंट है, वो दोनों चीजें आप ध्यान में रखना। चलो ठीक है। हाँ, तो सबसे पहला अपना था मैकेनिकल पंप की, जो फ्यूल पंप का क्या कह रहा होता है, फ्यूल पंप कार्बोरेटर तक फ्यूल को पहुंचाता है। जो बाइक वगैरह होती है जिसका फ्यूल टैंक फ्यूल पंप सॉरी कार्बोरेटर से ऊपर होता है, वो ग्रेविटी के थ्रू ही कार्बोरेटर में उस
फ्यूल को पहुंचा दिया जाता है, परंतु जहां अपने फोर व्हीकल की बात करें वहां पर अपने को फ्यूल पंप चाहिए, फ्यूल फीड पंप भी कह सकते हैं, इसको फीड पंप भी कह दिया जाता है, इस बात को भी ध्यान में रखना। तो फ्यूल पंप चाहिए उस जगह पे, ताकि अपने टैंक से उठा के कार्बोरेटर तक फ्यूल को पहुंचा सके। तो इसके दो प्रकार होते हैं, सबसे पहले आप ध्यान में रखोगे, एक एक करके पढ़ेंगे आराम से। पहला होता है डायफ्राम, फ्राम टाइप, और सेकंड इज प्लंजर टाइप, प्लंजर टाइप। ठीक है, ये दो पार्ट्स होते हैं, मतलब सॉरी दो टाइप होते हैं किसके, मैकेनिकल पंप के। आप फिर याद रखना अपने दिमाग में, आप अपने दिमाग में ध्यान रखोगे क्या कि दो प्रकार के मैकेनिकल पंप्स होते हैं, कौन से, एक डायफ्राम टाइप एक प्लंजर टाइप। एक पंप अपने आगे भी आएंगे, जब अपने कूलिंग सिस्टम पढ़ेंगे वहां पर भी पंप आएंगे। ये आपके 2013 के एग्जाम में पूछा भी गया था, कूलिंग सिस्टम में कौन सा पंप यूज होता है, तो वो सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है, वो अपने आगे बात करेंगे। अभी अपने किसकी बात कर रहे हैं, अभी अपने बात कर रहे हैं फ्यूल सप्लाई सिस्टम की। तो उसके अंदर अपने को दो ही प्रकार के मैकेनिकल पंप देखने के मिलते हैं, पहला डायफ्राम दूसरा प्लंजर। डिस्कस करेंगे डायफ्राम टाइप पंप के बारे में। एक सेकंड मैं फोटो उठा लूं ये रहा। सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, मुझे लगता है किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्लीज आप अपना फोकस रखें। कुछ एक बातें करूंगा आज, थोड़ी सी आपको मोटिवेशन वाली बातें बताएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अच्छा अब वर्किंग समझ लो, कौन सा पंप है ये, डायफ्राम, डायफ्राम टाइप पंप है। थोड़ी सी इसकी वर्किंग समझ लो, उसके बाद में लिखवाने वाली चीजें मैं लिखवा दूंगा। वैसे वर्किंग कहीं पूछी नहीं जाती, अपने नोट्स अपन आप जो लिखते हो प्लीज लिखिए सभी। मैं रिक्वेस्ट करता हूं सभी से कि आप सभी अपने हाथ से लिखिए, और इतने रफ नोट लिखने हैं कि आप, नोट्स का मतलब क्या होता है, आप उस चीज की रिविजन कर सको। कई बच्चे क्या करते हैं, अभी देखो मेरे को आपको पढ़ाने के लिए तो मुझे तो पूरा डेप्थ में लिखना पड़ता है, पर मैंने जो पहले, देखो मेरे पास सब कुछ अवेलेबल था, ये मेरे पास ये सब कुछ अवेलेबल था कि मैंने इतने आसान लैंग्वेज में सब कुछ लिख रखा था कि मैं खुद के पढ़ने के लिए मेरे लिए इनफ है, पर मेरे को पढ़ाने के लिए वो सब कुछ इनफ नहीं था। मुझे तो लिखना पड़ेगा, पर आप उस चीज को इतने कम शब्दों में लिखोगे, इतने कम शब्दों में उस चीज को ड्राइव करो कि आप देखते सार उस चीज का मतलब समझ जाओ, वो आप पे है, वो आपकी स्किल्स है, वो कैसे आप करते हो। अभी समझते हैं वर्किंग को, ये है कैमशाफ्ट, कैमशाफ्ट। एक चीज समझ आ रही होगी कि कैमशाफ्ट इससे जुड़ी हुई है, लीवर है, ये लीवर है अपने पास। ठीक है, ये कैम शाफ्ट और कैम लोब है। ठीक है, एक चीज आप सभी को समझ आ रही होगी क्या कि ये डायफ्राम टाइप पंप किससे चलता है, कैम शाफ्ट से चलता है। समझ आ गया, कैम शाफ्ट से नहीं, कई बार डायरेक्टली क्रैंक शाफ्ट से भी चला दिया जाता है, परंतु ज्यादातर जनरली वे में कैम शाफ्ट के द्वारा ही इसको चलाया जाता है। इस बात को आप समझ गए। अब देखो, जैसे ही कार्बोरेटर को फ्यूल की आवश्यकता होती है, जैसे ही कार्बोरेटर को फ्यूल की आवश्यकता होती है, लीवर, लीवर क्या है, ऊपर की ओर, लीवर सॉरी ऊपर नहीं जाता, लीवर नीचे की ओर पुश होता है। लीवर नीचे पुश होने के कारण ये डायफ्राम लगा होता है, ये जो आप चीज देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड डायफ्राम। ठीक है, ये होता है डायफ्राम। डायफ्राम नीचे की तरफ मूव करता है। समझना, जब कार्बोरेटर में फ्यूल की आवश्यकता होती है, तब लीवर के द्वारा डायफ्राम को नीचे की तरफ मूव किया जाता है, उसको नीचे की तरफ खींचा जाता है। नीचे की तरफ खींचने से यहां पर इनलेट है, ये चीज क्या है, ये इनलेट है अपना। ठीक है, यहां से फ्यूल आता है, और ये जो इनलेट वॉल्व है ये वन वे है। कौन सा है, वन वे
वोल्व है। ये नहीं है कि इससे फ्यूल आ सकता है परंतु बाहर नहीं निकलेगा, इस बात को आप ध्यान में रखोगे। फिर समझा रहा हूं, समझते रहना, दोबारा से बताता हूं क्योंकि हर एक बात अपने को समझनी जरूरी है। अच्छा, ये जो डायफ्राम है ये क्या है, ये अपना नीचे की तरफ दब, दोबारा से समझते हैं, दोबारा से समझते हैं, अभी डायफ्राम पे नहीं आते, अभी आपको समझ भी नहीं आया होगा, दोबारा से चलते हैं। कैमशाफ्ट के द्वारा लीवर को नीचे की लीवर को पुश किया गया, लीवर ने क्या किया, डायफ्राम को रिटर्न स्प्रिंग की सहायता से नीचे की तरफ खींच लिया। अच्छा, नीचे की तरफ खींचा, इसकी मूवमेंट कैसी होगी, ये प्रकार, इस प्रकार से होगी, रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट होगी, इस बात को समझो। जिस प्रकार से अपना पिस्टन मूव करता है उसी प्रकार से डायफ्राम मूव करेगा। जैसे ही नीचे की तरफ डायफ्राम को खींचा गया, डायफ्राम को नीचे की तरफ खींचा गया, इनलेट वॉल्व से, इनलेट वॉल्व से अपने पास क्या आ गया, इनलेट वॉल्व से यहां पर फ्यूल अंदर की तरफ आ गया, ठीक है। और जैसे ही लीवर को फ्री छोड़ दिया जाएगा कैमशाफ्ट के द्वारा, क्योंकि लोब लगा होता है एक टाइम पे वो एक्टिव हो जाता है, ठीक है। जो अपने ने कैम प्रोफाइल पढ़ी थी उसमें भी अपने देखा था कि किस प्रकार से पुश रोड वगैरह मूव होती है, उसी प्रकार से इधर लीवर का मैकेनिज्म जो है अपना वो कार्य करता है। जैसे ही लीवर फ्री हो जाएगी तो ये स्प्रिंग की सहायता से, ये जो स्प्रिंग आप लगे देख रहे हो, ये स्प्रिंग की सहायता से डायफ्राम ऊपर की तरफ मूव करेगा, ठीक है। लीवर ने नीचे खींचा, ठीक है, क्योंकि कैम की जो प्रोफाइल थी, जो लोब था कैम का, वो इस तरह से था, मतलब कैम का लोब था, मैं आपको बता दूं, वो इस तरह से था, है ना, इस तरह। इसके ऊपर जब लीवर आ गया तो लीवर ने क्या किया, डायफ्राम को नीचे की तरफ खींचा, कुछ इस तरह से था। तो लीवर ने डायफ्राम को नीचे खींचा, पर जैसे ही ये घूम के ये वाले हिस्सा ऊपर आ जाएगा, तब वो जो लीवर है वो अपनी नॉर्मल पोजीशन में वापस आ जाएगा, और जो डायफ्राम रिटर्न जाएगा वो इस स्प्रिंग की सहायता से जाएगा, और रिटर्न में जो प्रेशर अपने को जनरेट होगा वो एग्जिट वॉल्व के द्वारा बाहर निकल जाएगा वो फ्यूल, और उसी से अपने को प्रेशर जनरेट होगा। मैं दोबारा से इस चीज को समझा देता हूं, मुझे पता है कई बच्चों को नहीं समझ आया होगा, दोबारा से समझाता हूं, फिर से देखते रहना। अगर समझ आ गया एक बार में अच्छी बात है, नहीं आया तो मैं फिर से समझा रहा हूं एक बार में। मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे बच्चों को समझ आया होगा या नहीं आया, पर मैं आपको फिर से समझाता हूं। यहां पर कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर अपने को देखने के लिए मिलेगा। अब इस पोजिशन में मैं कह रहा हूं कि लीवर को नीचे की तरफ, कैम प्रोफाइल के द्वारा लीवर को नीचे की तरफ दबाया गया, जिससे डायफ्राम जो है, ये जो डायफ्राम लगा हुआ है, ये डायफ्राम नीचे की तरफ मूव होगा। नीचे स्प्रिंग लगे हुए, ये सब आपको दिख रहे हैं, स्प्रिंग दिख रहे हैं आपको, यहां पर स्प्रिंग लगा हुआ है, रिटर्न स्प्रिंग जिसे अपनी कहते हैं। डायफ्राम नीचे की तरफ मूव हुआ कब, जब कैम की प्रोफाइल थी वो अपने एज पे थी, जो उसका एज था उसने लीवर को एक्टिव कर रखा था उस समय। परंतु जैसे ही कैम घूमेगी, लीवर अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा, और ये रिटर्न स्प्रिंग के द्वारा जो डायफ्राम है वापस ऊपर की तरफ हो जाएगा, वापस ऊपर की तरफ मूव हो जाएगा। वापस ऊपर की तरफ मूव होने के कारण चैम्बर, ये जो चैम्बर है उसके अंदर प्रेशर जनरेट होगा, ठीक है। जिस प्रकार से अपने पिस्टन में देख रहे थे कि पिस्टन पहले सक्शन करता है, जैसे ही वो बीडीसी टीडीसी की तरफ मूव होता है तो उसमें प्रेशर जनरेट होता है, ठीक है, उसी प्रकार से इसमें भी क्या होगा, प्रेशर जनरेट होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप पिस्टन ना लो, रेसिप्रोकेटिंग पंप ले लो। रेसिप्रोकेटिंग पंप अपनों ने पढ़ रखा है कि सक्शन होता है, जैसे ही पिस्टन आगे की तरफ मूव करता है तो डिलीवरी पाइप से प्रेशर के साथ उसको निकाल देता है, उसी प्रकार से डायफ्राम वर्क करता है। जैसे ही डायफ्राम नीचे जाएगा उस पर उसी समय वन वे वॉल्व है वो ओपन हो जाएगा, और फ्यूल का इनलेट चैम्बर के अंदर हो जाएगा, और जैसे ही डायफ्राम ऊपर की तरफ मूव करेगा तो प्रेशर के कारण एग्जिट वॉल्व से फ्यूल जो है वो कार्बोरेटर में
कार्बोरेटर में चला जाएगा। इस बात को आप सभी समझ गए होंगे, इस बात में किसी को कोई परेशानी नहीं होगी, मुझे नहीं लगता अब किसी को कोई परेशानी होगी। वर्किंग समझ ली, अच्छे से समझ लेना, वर्किंग कहीं काम आए ना आए पर अपने को समझनी जरूरी है। एग्जामिनर कई बार पूछ लेता है इन सब चीजों से, वर्किंग से कई बार सवाल पूछ लिए जाते हैं। याद रखना 10% सवाल ऐसे भी हैं जो थ्योरी से कवर होते हैं, एमसीक्यू से कवर नहीं हो पाते, वो सवालों को भी अपने को लेके चलना है, 100% के लिए जाना है। वर्किंग समझ गए, कुछ बातें लिखवा लेते हैं। छोटी छोटी बातें हैं तो उस चीज को अपने लिखते हैं, डायफ्राम टाइप पंप, है ना, डायफ्राम टाइप। सबसे पहली बात, ये क्या है, यह है एक पॉजिटिव, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, डिस्प्लेसमेंट टाइप पंप है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप पंप है, इस बात को आप ध्यान में रखोगे। आगे की बात देखो, लीवर का एक एंड जो है वो किससे जुड़ा होता है, वो जुड़ा होता है कैमशाफ्ट से। यही बात मैंने पीछे बताई है आपको, क्या बात बताई है, लीवर का एक सिरा तो जुड़ा होगा कैमशाफ्ट से और दूसरा सिरा जुड़ा होगा डायफ्राम से। वही बातें वही सब लिख लेते हैं, दूसरा सिरा एंड या सिरा जो भी आप कह सको, जैसे पंजाबी में सिरा कहते हैं, डायफ्राम से जुड़ा रहता है। ठीक है, आप सभी से जैसे ही ये टॉपिक पूरा होता है, सॉरी एप्लीकेशन पे कुछ नहीं हो पा रहा है, मैं नहीं टाइम निकाल पा रहा, पर मुझे लगता है आपका एक टेस्ट होगा, लाइव टेस्ट। अगर आप कहते हो मुझे कि अपने लाइव करने की लाइव करूं मैं, ठीक है, लाइव आपका टेस्ट लूं यूट्यूब पे आके, कि आपके सामने जो अपना बेसिक है, बेसिक्स है, उसका टेस्ट लिया जाए, तो आप मुझे जरूर कह सकते हो मैं रेडी हूं उस चीज के लिए। यदि आपको कि रिकॉर्डेड सेशन डालू, मैं रिकॉर्डेड डाल दूंगा। यदि आप सभी लोग इंटरेस्टेड हैं, यदि आप कहते हैं कि सर नहीं, हम आपके लाइव क्लासेस में आएंगे और इस टेस्ट को देंगे, तब तो मैं इस चीज को कैरी ऑन करूंगा कि मैं अपना लाइव के लिए थोड़ा सेटअप मेरे को भी पता नहीं सीख लूंगा। यदि आप अभी मेरे को आप सभी इस वीडियो में कमेंट करके बताएंगे, तो जैसे ही ये टॉपिक पूरा होता है, अपने बेसिक का एक कंप्लीट टेस्ट लेंगे, जिसमें हर एक पॉइंट हर एक टॉपिक आपके पास आएगा, एक समय दे दिया जाएगा आपको। पहली बार समय क्या दे दिया, आज से ही आप तैयारी शुरू कर दो, नहीं तो रिकॉर्डेड सेशन में लेके आ जाऊंगा, रिकॉर्डेड में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। यदि आप इंटरेस्टेड है तो अपने लाइव भी इस चीज को लेके जा सकते हैं। ठीक है, जब कुछ एक बातें लिख लो, जब लीवर डायफ्राम के नीचे को नीचे खींचता है तो वन वे वॉल्व के, वन वे वॉल्व मत लिखो, रुको एक सेकेंड, वन वे इनलेट वॉल्व के द्वारा क्या होता है, सक्शन होता है, सक्शन या चूसन होता है, किसका होता है, फ्यूल से, फ्यूल का होता है, कहां से होता है, तो फ्यूल टैंक से होता है, इस बात को अपने ध्यान में रखेंगे। और बातें लिख लो, ये मैं जो बातें लिखवा रहा हूं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, कि एग्जामिनर पूछ सकता है कि डायफ्राम टाइप फ्यूल पंप में किस प्रकार का इनलेट वॉल्व लगा होता है, वन वे टू वे कुछ भी आपसे पूछ सकता है, तो इस बात को आप ध्यान में रखोगे। डायफ्राम, मैं प्रोनाउंसिएशन तो सही कर रहा हूं ना, ऊपर की ओर वापस, क्या बात की थी मैंने, जब डायफ्राम ऊपर की ओर किससे जाता है, रिटर्न स्प्रिंग से जाता है, उस चीज को अपने लिखते हैं वापस, रिटर्न स्प्रिंग, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, के द्वारा जाता है। बहुत बहुत डिफिकल्टी आ रही है, मैं आपको सही बताऊं,
तो आपका जो ऑटोमोबाइल सेगमेंट है उसमें एमसीक्यू ढूंढना मतलब महाभारत है। जितनी भी बुक्स हैं उसके अंदर उस लेवल के एमसीक्यू नहीं दे रखे जिससे अपना मन सेटिस्फाई हो सके। मुझे मतलब थोड़ा सा बुक मैंने एक उपकार की मैंने मंगवा ली है, एक बीपीएससी की है, तो वो मेरे मित्र ने खरीदी है। मैं उससे अभी मांग लूंगा, उसका बिहार एग्जाम है, उसके बाद में वो मुझे दे देगा। कृपाल सिंह की बुक मैंने मंगवा ली है ऑनलाइन, दो तीन बुकें मेरे पास ऑटोमोबाइल की पड़ी हैं, पर फिर भी वो सफिशियंट अमाउंट ऑफ एमसीक्यूज फिर भी मुझे जो सेटिस्फाई कर सके वो नहीं प्राप्त हो रहे हैं। अब उसको थ्योरी में से ही निकालना पड़ेगा। चलिए एक बात और आपको मैंने बताना भूल गया था कि जो कार्बोरेटर है ना, मतलब ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टेंटली, ये नहीं है कि लगातार अपने को फ्यूल प्रोवाइड करता रहेगा। जब आवश्यकता होगी फ्लोट चैम्बर के अंदर ही अपने आगे पढ़ेंगे, जब अपने कार्बोरेटर पढ़ेंगे कि फ्लोट चैम्बर के अंदर फ्यूल को पहले ही इकट्ठा करके रखा जाता है, इस बात को ध्यान में रखना। किसमें? कार्बोरेटर के अंदर। उसका जब अपना स्ट्रक्चर बनेंगे तब अपने इस चीज को समझेंगे आराम से। तो फ्लोट चैम्बर के अंदर एक निडल वॉल्व होता है, निडल वॉल्व होती है। जैसे ही वो ओपन होती है तब फ्यूल पंप, जो अपना पंप है, वो कार्य करना स्टार्ट करता है। इस बात को ध्यान में रखना। जैसे ही निडल वाल्व ओपन होगी तभी फ्यूल पंप है जो अपना कार्य करना प्रारंभ करेगा। फिर आप कहोगे कि सर जो ये सेटअप है तो इस सेटअप के अकॉर्डिंग तो फ्यूल है जो सॉरी इस सेटअप के अकॉर्डिंग तो पंप है वो कॉन्स्टेंटली चलता रहता है। बिल्कुल चलता रहता है। आप इस चीज को ध्यान में रखना कि जो ये पंप है वो जो लीवर है वो कॉन्स्टेंटली काम करता रहता है, परंतु जैसे ही निडल वॉल्व हटता है, वो मैकेनिज्म में मत घुसो, जैसे ही निडल वॉल्व हटता है तभी अपने डायफ्राम से वर्क प्राप्त करते हैं और फ्यूल को फ्लोट चैम्बर के अंदर भेजते हैं जो कार्बोरेटर का एक हिस्सा है। इस चीज को भी अपने ध्यान में रखेंगे और इस चीज को अपने लिख भी लेते हैं, क्योंकि छोटी छोटी बातें हैं, कुछ ज्यादा नहीं है, पर फिर भी लिखना जरूरी है। कार्बोरेटर के फ्लोट चैम्बर समझते रहना आप प्लीज। आप ना थोड़ा सा जल्दबाजी मत करो। वाल्व होता है, ठीक है, जैसे ही फ्यूल कम होता है। किसमें फ्यूल कम होता है? फ्लोट चैम्बर में, जहां पर फ्यूल इकट्ठा करके रखा जाता है कार्बोरेटर के सेटअप में, वहां पर फ्यूल कम होता है। निडल वॉल्व क्या है? निडल वॉल्व ओपन हो जाता है और पंप क्या है? पंप फ्यूल को भेज देता है। ठीक है, थोड़ी सी कम लैंग्वेज में, समझने वाली लैंग्वेज में मैंने लिख दिया आप सभी लोगों के लिए। आगे बात करूं, मैंने आपको बताया था कि जो लीवर है वो अप एंड डाउन कॉन्स्टेंटली होता रहता है, परंतु जब फ्यूल की आवश्यकता होती है तभी डायफ्राम को डाउन करता है। इस बात को अपने लिख लेते हैं। वैसे ये आपके एग्जाम्पल में कुछ इंपोर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं लिख देता हूं, लीवर अप एंड डाउन। क्योंकि आपको अगर वर्किंग पता है ना, जब आपको वर्किंग पता है तो उसके पार्ट्स देखो, किसी चीज को पढ़ो तो पहले उसकी वर्किंग समझो, वर्किंग समझने के बाद में उसके पार्ट्स समझो, ठीक है, उसके कौन कौन से हिस्से हैं, उन हिस्सों का क्या क्या कार्य है, उस चीज को समझो, फिर आप उस पूरे स्ट्रक्चर को अच्छे से समझ पाओगे। अप एंड डाउन कॉन्स्टेंटली होता है, परंतु फ्यूल की आवश्यकता होते
होती है तभी डायफ्राम को डाउन करती है। ठीक है, इस बात को मत याद करना, मैं सीधी सी बात कहता हूं, जो बात सिंपल है मैं वो सिंपल शब्दों में आपको खत्म करना चाहता हूं। ठीक है, आगे चलता हूं। सबसे पहले क्या पढ़ लिया अपनों ने पढ़ लिया मैकेनिकल टाइप पढ़ लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैकेनिकल में डायफ्राम टाइप पंप पढ़ लिया। अब अपने पढ़ेंगे प्लंजर टाइप। मैं एक सेकेंड फोटो ले लूं, गिफ है ये रहा है ना, तो अरे इतनी छोटी फोटो है, कोई बात नहीं। अब थोड़ा सा मेरे को नहीं पता था इतनी मतलब कम रेजोल्यूशन में है, कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा इसको डार्क कर दूंगा आपके लिए। वैसे दूसरी फोटो में आपको समझ आ जाएगा, ये वाली फोटो में आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझ आ जाएगा। ठीक है, उससे पहले मैं आपको एक सेकेंड फ्यूल पंप के, अगर ये चलता है तो मैं आपको वो चीज दिखाना चाहता हूं। मैं क्या इसमें एडिट कर सकता हूं, क्या ड्रॉ करने का मेरे पास ऑप्शन है? एक सेकेंड, हाँ मेरे पास ऑप्शन है। वेट, अभी आपको थोड़ा सा क्लियर करता हूं। आपको आई होप दिख रहा होगा सब कुछ प्रॉपर तरीके से। ठीक है, ये होता है प्लंजर टाइप फ्यूल पंप। ठीक है, यदि पेन बहुत बहुत मस्त लगता है मुझे, ये होता है प्लंजर टाइप फ्यूल पंप, जिसको अपने अभी देखेंगे। अब देखो ये है कैमशाफ्ट। ठीक है, ये क्या है? कैमशाफ्ट है। आप इस चीज को समझ पा रहे होगे, ऑडियो वगैरह मुझे लगता है सभी को, सॉरी, ऑडियो वगैरह सभी को क्लियर आ रही होगी। चलिए मूव करते हैं। ये है कैमशाफ्ट, यहां पर ये प्लंजर लगा हुआ है। क्या कहते हैं अपने इसको? प्लंजर। ठीक है, अभी मैं थोड़ा सा आपको इधर लेके जाना चाहता हूं। ये स्ट्रक्चर देख रहे हो ना आप, ये स्ट्रक्चर, ठीक है, ये यही स्ट्रक्चर है कि इसको भूल जाओ, इधर आ जाओ। इनलेट वाल्व है, इनलेट वाल्व के द्वारा यहां पर क्या होगा? इनलेट वाल्व के द्वारा यहां पर फ्यूल आएगा। तो जिस प्रकार से इंजन काम करता है, सेम उसी प्रकार से ये भी कार्य करता है, और कुछ भी नहीं है। फ्यूल आया और ऊपर से बाहर निकल गया और प्रेशर मतलब इसको कार्बोरेटर को भेज दिया, कुछ भी नहीं है। वर्किंग समझ नहीं है तो यहां एक बार फिर आप देख लो क्या कि ये तो प्लंजर, अब मैंने बता दिया कैम की जो प्रोफाइल है उसके द्वारा जो प्लंजर है, इसको एक शब्द और भी कह सकते हैं, इसको पिस्टन भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार से यहां पर स्प्रिंग लगे हुए रहते हैं जो पिस्टन को नीचे की तरफ भी मूव करवाना होता है। इस कारण से जैसे ही कैम का जो एज है वो पीडीसी पे होता है तो जो प्लंजर है या जो पिस्टन है वो भी टीडीसी पे होगा, और कैम का जो प्रोफाइल है वो बीडीसी पे होगी, तब पिस्टन भी बीडीसी पे होगा। और सेम इंजन की वर्किंग है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, कोई मेरे को नहीं लगता किसी को कोई दुविधा होगी 1% भी इस चीज को समझने में। होप आपको सब चीजें समझ आ रही होंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सिंपल आपको एक मैकेनिज्म है वो समझना है, वो आपको मैंने समझा दिया। कुछ भी मत याद रखना इसके अंदर, जो बातें हैं वो लिख देता हूं। क्या अपने पढ़ रहे हैं? प्लंजर, है ना, प्लंजर टाइप किस प्रकार का है? तो ध्यान रखना यह भी एक क्या है? पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप का पंप है। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप का ये पंप है। ठीक है, अच्छा इसको आप लिखो कि या तो ये कैमशाफ्ट के द्वारा या पुश रोड के द्वारा चलाया जाता है। मैं लिखता हूं क्या? कैमशाफ्ट या पुश
रोड के द्वारा चलाया जाता है, इस बात को आप ध्यान में रखोगे। अच्छा, आगे मैंने कुछ और बातें की थी आपसे कि जब कैम साफ्ट, यहां पर भी मैं कैम साफ्ट ही यूज करूंगा, ठीक है। एक सेकेंड, मैंने कुछ लिख रखा है, तो प्लंजर या पिस्टन आप इसको कह सकते हो। वैसे प्लंजर आप यूज करो, क्योंकि प्लंजर पंप है, तो आप उस चीज को भी यूज करो तो अच्छी बात है। जब कैम साफ्ट बीडीसी पे होगी, जब कैम की प्रोफाइल, साफ्ट नहीं कह सकते, कैम की प्रोफाइल बीडीसी पे होगी, मतलब जहां पर सर्किल होता है ना, मतलब वो गोल होता है, वर्ताकार होता है, वहां पर तो वो उसको बीडीसी, और जहां पर एज होता है, मतलब तीखा होता है, उसको अपने एक प्रकार से टीडीसी कह रहे हैं इस टर्म में। जब कैम साफ्ट बी डीसी पर होगी तो प्लंजर भी क्या होगा, बीडीसी पर होगा, और जब कैम साफ्ट टीडीसी पर होगी तब प्लंजर भी क्या होगा, टीडीसी पर होगा। इस बात को अपने ध्यान में रखेंगे। चलो आगे एक दो बातें हो रहा, वो भी लिख लो। एक रन बिटवीन, मतलब ये चलता है, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, चलता है कितना पे, तो 250 टू 1800 बार तक। वैसे ध्यान में रखना, इसके अंदर PSI जो यूनिट है वो यूज होती है, क्या 3625 एंड 26000 PSI, जो अपना पंप होते हैं, पंप कौन से, जो पंप अपने इधर यूज कर रहे हैं IC इंजन में, उसमें PSI यूनिट को ज्यादा यूज किया जाता है। तो इसका मतलब क्या होता है वो आप देखो, पाउंड पर स्क्वेयर इंच, ठीक है, इस चीज को आप ध्यान में रखोगे कि ये जो पंप है वो चलता कितने पे, 2500 से 1800 बार तक, या 3625 से 26000 PSI तक, पाउंड पर स्क्वायर यूनिट इसमें चलता है। अच्छा, आप कहोगे जनरली जो पंप होते हैं वो कितने बार तक पे चलते हैं या कितने PSI पे चलते हैं, तो जनरली जो चलता है वो जनरली चलता है, सामान्यता जो चलते हैं वो होते हैं 10 से 15 PSI, जो इनफ है किसके लिए, कार्बोरेटर तक फ्यूल पहुंचाने के लिए। इस बात को भी आप ध्यान में रखना, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि देखो वो जो प्लंजर टाइप है वहां तक पहुंचा सकता है, पर वो पहुंचाता नहीं है, कि मतलब वो इतना प्रेशर अपने को जनरेट करके दे सकता है, परंतु इतना प्रेशर अपने जनरेट करवाते नहीं है, क्योंकि इतने प्रेशर का कोई काम ही नहीं है, उसकी कैपेसिटी है, तो कैपेसिटी की बात की है अपनों ने, यह मत सोचना कि अपने 10-15 ले रहे हैं, आपने इतना बता दिया, ऐसा कुछ नहीं है। हो गया, इतनी बात आपको समझ आ गई होगी, किसी को किसी प्रकार से कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी दुविधा नहीं होगी। अब अपने बात करेंगे, सॉरी यार इसको ना हटाओ पहले, बाकी सब कुछ अपने को चाहिए। हाँ, तो एक बात बताता हूं, अवध ओझा नाम से एक सर है, तो मैं अभी उनको फॉलो करने लगा हूं, उनका मैंने एक इंटरव्यू देखा था, अभी हाल फिलहाल का उनका एक इंटरव्यू है, असम में उनकी कोई UPSC की क्लासेज वगैरह चलती हैं, तो वो हिस्ट्री के टीचर है, उन्होंने उनकी दो तीन बातें मुझे बहुत अच्छी लगी। खैर उन्होंने की IPS या UPSC वाले बच्चों के लिए थी, पर वो कहीं ना कहीं अपने पे भी लागू होती है, कि अपने सिलेबस बहुत बड़ा है, बहुत वाइड सिलेबस है। उन्होंने कहा कि मेरे शब्द नहीं है, मैं इतना बड़ा ज्ञानी नहीं हूं, पर आपको उस चीज से थोड़ी सी मोटिवेशन फील होगी। क्या हो गया, कुछ हुआ तो नहीं, पता नहीं,
लैपटॉप ने आवाज़ की थी। यार मुझे डर बहुत लगता है लैपटॉप से, तो पूछो ही मत आप। हाँ तो उन्होंने एक बात कही थी आगे से, हाँ अगली बार से मेरे को थोड़ा सा अपने क्या किया करेंगे, जैसे ही अपना जो टॉपिक कंप्लीट होता है उसके बाद में अपने एमसीक्यू करना चालू कर देंगे अगली बार से। तो उन्होंने एक बात कही, कहते अपने जो स्टूडेंट होता है ना उनके दो स्टमच होते हैं, दो पेट होते हैं जिसमें उसको पचाना होता है। पहला पेट वो जिसमें वो खाना खाता है और दूसरा पेट अपना दिमाग। सुनना थोड़ी सी बात इंपॉर्टेंट है यार, मैं कभी भी टाइम वेस्ट नहीं करता, पर आपके लिए थोड़ी थोड़ी डोज देनी जरूरी है। कहते यदि आपने ऊपर वाला पेट या अपना जो ब्रेन है, जो अपना दिमाग है, यदि आपने इसके अंदर कुछ डाल लिया और डालने के बाद में आपने उस चीज को डाइजेस्ट नहीं किया, आपने उस चीज को पचाया नहीं है, तो आप उस चीज को वेस्ट कर रही हैं। समझ नहीं आया मेरे को? नहीं लग आपको, मेरे को लगता है आपको नहीं आया होगा। मैं फिर से रिपीट करता हूं, उन्होंने कहा उनके सर थे कि आपके शरीर में दो पेट होते हैं जो किसी भी चीज को डाइजेस्ट करते हैं। एक पेट वो जिससे आप खाना खाते हो वहां डाइजेस्ट होता है, जो बायोलॉजी में आता है। दूसरा पेट स्टूडेंट के दिमाग में उसका ब्रेन होता है, जहां वो अपना उसके द्वारा पढ़ी गई चीजों को खाता है। एक प्रकार से खाते ही हैं हम उन चीजों को, परंतु यदि आप उस चीज को डाइजेस्ट नहीं करते ना, तो आप उस चीज को वेस्ट कर रहे हो। अच्छा अब कहोगे सर डाइजेस्ट कैसे? तो आप अपने स्टडी के शेड्यूल में देखो, जहां से ज्ञान मिले उससे ले लो, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है। 6 घंटे पढ़ो ना, यदि आप 6 घंटे पढ़ते हो तो उसको 3 घंटे आप डाइजेस्ट करोगे। 6 घंटे की स्टडी है तो उसको आधे टाइम आपको डाइजेस्ट करने में लग जाएगा। किसी भी पार्क में चले जाओ, किसी एक सुनसान जगह पे जहां पर आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, जो आपने 6 घंटे पढ़ा है ना उसको उसको डाइजेस्ट कर लो, उसको पी जाओ, घोल के पी जाओ एक प्रकार से। यदि आप इस चीज को, इस फॉर्मूला को अपनाना चाहते हो आप अपना सकते हो। मेरे को ये बहुत अच्छा लगा। मैं हाल फिलहाल से मेरी मेरी हैबिट है कि मैं डाइजेस्ट करके ही चलता हूं। यदि मैंने पढ़ लिया, मैंने किसी चीज को एक बार पढ़ लिया, देन मैं उसको लिखूंगा, मैं लिख के बिना देखे लिखूंगा, पहली बार देख के लिखूंगा, लिखता लिखता पढ़ता हूं, दूसरी बार मैं क्या करता हूं उसको देख के लिखता हूं, तीसरी बार मैं बिना देख के लिखता हूं। कुछ गलतियां होती हैं, मुझे भी पता है इतना परफेक्ट नहीं हो सकता मैं एक बार में, फिर उस गलतियों को प्रूव करके और फिर लिख के देखता हूं, और फिर मैं आराम से बैठ के उनको उंगलियों पे रटता हूं। उसको कहते हैं डाइजेशन। आप यदि पढ़ी हुई चीज को डाइजेस्ट नहीं करते हो, देन आप थोड़ा सा, तभी तो अपने एक चीज कहते हैं, तभी हर एक स्टूडेंट कहता है सर हम भूल जाते हैं। भूलने का कारण है आपने उस चीज को पचाया नहीं है, बिना बचाए आपने दिमाग से बाहर निकाल दिया। क्या मतलब हुआ उस चीज का? डाइजेशन चालू करो। ये थोड़ी सी बात थी जो मुझे लगता है मुझे अच्छी लगी, तो आप लोगों को भी अच्छी लगी होगी। अब अपने बात करते हैं, दो प्रकार के पंप थे, मैकेनिकल अपनों ने कर लिया, मैकेनिकल हो गया। अब अपने बात करेंगे इलेक्ट्रिकल पंप के बारे में। देखो टाइम बदल रहा है, पहले सब कुछ मैकेनिकल था, अब इलेक्ट्रिकल हो चुका है, इलेक्ट्रिक स्कूटी आ चुकी है, व्हीकल इलेक्ट्रिकल आने लग गए हैं, उसके बाद में जितने भी मैकेनिज्म था वो भी इलेक्ट्रिकल हो चुके हैं, तो पंप भी इलेक्ट्रिकल आ चुके हैं। इलेक्ट्रिक पंप, क्या इलेक्ट्रिक पंप, कौन सा फ्यूल पंप, आप इस चीज को ध्यान में रखोगे। मैं काम करता हूं, सबसे पहले फोटो लेते हैं, रुक जाओ, फोटो मेरे पास पड़ी है, मैं इस चीज को तो अपने ध्यान में रखते हैं। हाँ मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल पंप में कुछ बातें हैं वो मैं लिखवा दूंगा, जो रटने वाली है वो बात ही अलग है, समझने वाली बात है। सबसे मेन डिफरेंस जो आपको भी एक चीज से ध्यान आ रहा होगा, मैकेनिकल का मतलब वह चीज जो किसी मैकेनिज्म के द्वारा चले, और इलेक्ट्रिकल का मतलब वह चीज जो किसी सर्किट के द्वारा चलाई जाए। यही बात है, बिल्कुल आपको कि सर ओपीएससी यही बात है।
आपको इन सब का पता होगा। तो इस चीज से एक बात तो अपने को क्लियर होगी, क्या बात क्लियर होगी कि इसमें कैम साफ्ट का यूज नहीं होगा, कैम साफ्ट का यूज नहीं होगा। अब आप कहोगे धीरे धीरे करके मूव करते हैं, धीरे धीरे करके अपनी बात करते हैं। अब आप कहोगे कि यदि कैम साफ्ट का यूज नहीं होगा तो फिर किसके द्वारा डायफ्राम को मूव किया जाएगा? तो सोलेनोइड नाम से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच होती है सोलेनोइड, उसके द्वारा अपने क्या करते हैं डायफ्राम को मूव करते हैं। सिंपली इस चीज को समझना, सिंपल वे, सिंपल तरीके से समझा रहा हूं क्योंकि मैं अंदर नहीं घुसना चाहता, उसका कोई मतलब भी नहीं है। क्या ध्यान रखोगे इस चीज में, सबसे इंपॉर्टेंट, कैमशाफ्ट यूज ना होके सोलेनोइड जो एक इलेक्ट्रिक स्विच है उसके द्वारा इसको ऑपरेट किया जाता है। बाकी सब प्रोसेस सेम है, सोलेनोइड स्विच के द्वारा जब कार्बोरेटर में आवश्यकता होगी तो रोड नीचे की तरफ आ जाएगी, इनलेट वॉल्व ओपन हो जाएगा, जैसे ही रोड इधर मूव करेगी, ऊपर की तरफ मूव करेगी, तो प्रेशर बढ़ेगा और एग्जॉस्ट वाल्व से जो है वो कार्बोरेटर में फ्यूल चला जाएगा। इस बात को आप समझ जाओ, वर्किंग में कुछ भी नहीं है समझाने वाला, जो मेन डिफरेंस था वो आपको मैंने समझा दिया, बाकी अंदर मत घुसना। और बातें सुनो, इलेक्ट्रिक पंप को जो मैकेनिकल फ्यूल पंप होता है, क्योंकि उसको अपने को कैमशाफ्ट के द्वारा चलाना होता है, इस कारण से अपने उसको इंजन के पास में रखते हैं या उसका अटैच करते हैं इंजन के पास में। परंतु मैं वही बात करूं इलेक्ट्रिक पंप, तो इलेक्ट्रिक पंप जनरली सामान्यता इंजन का, सॉरी फ्यूल का जो टैंक होता है ना उसके अंदर ही रखा हुआ होता है। इस बात को आप समझो। अब आप कहोगे सर आप क्या कह रहे हो कि इलेक्ट्रिक पंप है जो टैंक के अंदर ही स्थित होता है? बिल्कुल मैं यही बात कह रहा हूं कि जो इलेक्ट्रिक पंप है वो टैंक के अंदर ही, जो टैंकी होती है उसके अंदर ही फिट होता है। अब उस चीज के बेनिफिट क्या है? सबसे बड़ा बेनिफिट, तो सबसे पहला बेनिफिट जो अपने को समझ आता है वो बेनिफिट ये है कि किसी भी प्रकार का एयर लीकेज नहीं होगा, या एयर लीकेज नहीं, सॉरी लीकेज शब्द मैं गलत यूज कर रहा हूं, एयर इंटेक नहीं होगा, एयर का इंटेक नहीं होगा। इस बात को अपने को ध्यान में रखना है। मैकेनिकल पंप में क्या था कि मैकेनिज्म बाहर होने के कारण कई बार जो एयर है वो फ्यूल के अंदर ही मिक्स हो जाती है, बबल्स बन जाते थे, कहीं किसी प्रकार की यदि कोई लीकेज होती है तो वो जो एयर है फ्यूल के अंदर मिक्स हो जाती थी। इस कारण से सबसे पहला बेनिफिट तो ये हो गया कि यदि अपने इलेक्ट्रिक पंप को फ्यूल के अंदर रखें। अच्छा, सेकंड क्या है? सेकंड समझिए कि जब पंप के द्वारा फ्यूल का प्रेशर बढ़ा दिया जाता है, क्योंकि प्रेशर बढ़ाएंगे तभी तो वो आगे मूव करेगा, प्रेशर उच्च हो जाता है या हाई प्रेशर पे हो जाता है, तो कुछ मात्रा जो फ्यूल की है, फ्यूल की जब अपने पंप जब क्या करता है हाई प्रेशर पे, समझ लेना मैं लिखवा दूंगा, हाई प्रेशर पे काम करता है तो फ्यूल की कुछ मात्रा क्या हो जाती है, वेपर में बदल जाती है, वेपराइज हो जाती है, वो कुछ मात्रा, बहुत अधिक नहीं। और वेपर होने के कारण आपको पता है कि वो सिलेंडर के अंदर पहुंचते साथ जल जाता है, और एक बात और भी ध्यान रखो कि तीसरी बात आप ये भी ध्यान रखना कि यदि अपने पंप को टैंक के अंदर रखते हैं तो यहां का जो फ्यूल होगा वो एक कूलेंट की तरह काम करेगा कि वो
पंप को ज्यादा गर्म नहीं होने देगा। देखो अब आप आपके दिमाग में एक प्रश्न आएगा कि यदि पंप ज्यादा गर्म हो जाए तो सारे का सारा फ्यूल भी जल सकता है, ऐसा नहीं होता क्योंकि इतना ज्यादा हाई टेम्परेचर पर पंप काम नहीं करता, इस बात को आप ध्यान में रखोगे। और बातें इस चीज में है जो मैंने लिख रखी है, हाँ, कि जो आजकल के मॉडर्न व्हीकल हैं, जो मॉडर्न व्हीकल हैं उसमें क्या है, कांस्टेंट सप्लाई चाहिए अपने को, एक कांस्टेंट सप्लाई चाहिए। परंतु जब अपने मैकेनिकल पंप की बात करेंगे तो मैकेनिकल पंप में क्या होता है, मैकेनिकल पंप में जो फ्यूल यूज हो गया वो तो कार्बोरेटर में चला जाता है, बचा हुआ फ्यूल को वापस टैंक में भेज दिया जाता है। वहीं अपने इलेक्ट्रिकल पंप की बात करें, इलेक्ट्रिक पंप की बात करें, वो टैंक के अंदर होने के कारण इस प्रकार का किसी भी प्रकार की भी एक्स्ट्रा पाइप अपने को नहीं चाहिए। ये थी थोड़ी मोटी बातें, इस चीज को मैं लिख देता हूं, ठीक है, कोई लंबी जोड़ी बातें नहीं समझाई है, फटाफट लिख के और इस टॉपिक को खत्म करते हैं। फिर कल हो जाएगी क्या या आज हो जाएगा देखते हैं, 46 मिनट की क्लासेज हो चुकी हैं, समझना जरूरी है इस बात को। मैं कम शब्दों में लिखता हूं, मैकेनिकल पंप जो है वो टैंक से बाहर फिट होता है। मैंने यहां लिख दिया ना इलेक्ट्रिक पंप, हाँ लिख दिया ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है अब तो, ठीक है, होता है। परंतु इलेक्ट्रिक पंप जो है वो क्या है, जो इलेक्ट्रिक पंप है वो टैंक के अंदर फिट होता है, ठीक है। मैं ज्यादा शब्दों में इस चीज को नहीं लिखेंगे, फटाफट अपने आज की क्लास खत्म करते हैं क्योंकि थोड़ा सा भी अपना थोड़ा सा बातें और करने वाली हैं, तो इसी कारण से बेनिफिट की बात करूं मैं, बेनिफिट या लाभ किस चीज का, पंप को टैंक के अंदर फिट करने का, ठीक है। तो क्या बेनिफिट या क्या लाभ होगा उस चीज के बारे में डिस्कस करूं। सबसे पहले नो लीकेज नहीं, इसको थोड़ा सा अपने लैंग्वेज में लिख लेते हैं, ये अपने को थोड़ा सा ताबे नहीं आएगा, हाँ लिखिए, लीकेज के द्वारा एयर का इंटेक नहीं होगा। बहुत सारी बातें हैं एमसीक्यू से क्लियर होंगी, पहले दिन से कहता आ रहा हूं कि एमसीक्यूज को मत छोड़ना एमसीक्यूज, अगर आपने छोड़ दिए तो आप ये समझ लो कि थ्योरी में वो बातें नहीं क्लियर हो सकती जो एमसीक्यूज में होती है, पर फिर भी 80-85% अपने कवर कर लेंगे थ्योरी में। 2013 का पेपर आप उठा के देखो, अदर जो बात करें भी बिहार का एग्जाम हो जाएगा तो बिहार के भी एग्जाम में मतलब एग्जाम के अपने क्वेश्चन आ जाएंगे, वो भी अपने देख लेंगे। मैं बात करूं, पंप बहुत हाई प्रेशर क्रिएट करता है जिस कारण क्या है, पेट्रोल जो है वो वेपराइज हो जाता है, ठीक है, और सिलेंडर में जल्दी जल जाता है। इस बात को अपने ध्यान में रखेंगे, आगे बात करते हैं, इसी पे कंटिन्यू करेंगे। सिलेंडर में जल्दी जल जाता है तो पंप
को टैंक में रुको, इस चीज को यार थोड़ा सा इस चीज को आपको लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा, सॉरी मैं थोड़ा सा कंफ्यूज लग रहा हूँ आपको, सॉरी। इसको हटा दो यहाँ से, आ जाओ अगले पेज भी आ जाओ। नहीं मैं थोड़ा सा ये चाहता हूँ कि मैं आपको छोटे के तरीके से, आपको ये ना हो जाए कि मैं ऐसी बात लिख दूं जो आपको समझ ना आए, बड़ी बात लिखते हैं यार, नहीं नहीं तब आता पंप, क्योंकि मैंने लिखी उस प्रकार से रखा है, या तो मुझे अब छोटा तो बड़ा दोनों ही लिखना पड़ेगा। हाई प्रेशर क्रिएट करता है जिस कारण पेट्रोल कुछ मात्रा वेपर, आप इसको छोटे लैंग्वेज में लिख लेना, क्योंकि देखो मैं लिखवा भी इसलिए रहा हूं कि मैं समझा देता हूं और फिर उसके बाद मैं लिखवा रहा हूं आपको, ठीक है, क्योंकि खुद की अगर मैं लिखवाता हूं तो मुझे ये होता है कि आप लोगों को वो अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा, हो जाती है। और वेपर जो है वो सिलेंडर के अंदर, वेपर मतलब वाष्प ना, ध्यान में रखना, अंदर ही जल सकता है, ठीक है। टैंक के, ये थोड़ी सी लंबी बात होगी, मेरे को उम्मीद नहीं थी, हाँ ये थोड़ा सा लंबा हो गया। अंदर पंप होने से वह कूलेंट की तरह कार्य करता है, इस बात को भी आप ध्यान में रखोगे, ठीक है, इस बात को भी आपने ध्यान में रखना है। अगली बात है कि मोटर व्हीकल में कांस्टेंट फ्यूल की सप्लाई चाहिए होती है, जो फ्यूल यूज नहीं आता उसे टैंक में वापस रिटर्न कर देते हैं, परंतु इलेक्ट्रिक पंप में ऐसा करना नहीं पड़ता, इस बात को आप ध्यान में रखोगे, इस चीज को आप लिख भी लेना, मेरे हिसाब से ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट बात है वो लिखता हूं, वर्किंग पे बात करूं तो इलेक्ट्रिक पंप में सेम डायफ्राम एंड वॉल्व अरेंजमेंट होती है, डबल आर आएगा, अरेंजमेंट होती है, इस बात को अपने समझ दो, अब थोड़ी थोड़ी बातें समझते रहो। अरेंजमेंट होती है कि डायफ्राम वॉल्व वगैरह सब कुछ सेम होता है, परंतु मैं पेन चेंज कर दूं, जो इंपॉर्टेंट बात है इस चीज के बारे में, परंतु यह कैमशाफ्ट से ऑपरेट ना होकर सोलेनोइड, क्या है ये, एन इलेक्ट्रो मैग्नेटिक स्विच है, से ऑपरेट होता है या चलता है, होता है, ठीक है, इस बात को अपने ध्यान में रखेंगे। अच्छा सोलेनोइड क्या है, सोलेनोइड अट्रैक्ट करता है किसको, आयरन रोड को, मैंने आपको पहले ही बताया, जो डायफ्राम को पुल डाउन करती है, सक्शन होता है, रिटर्न स्प्रिंग के द्वारा डिलीवरी हो जाती है, इस चीज को भी आप लिख लेते हैं। सोलेनोइड अट्रैक्ट मतलब आकर्षित, ठीक है, आकर्षित अट्रैक्ट करता है आयरन रोड को, जिससे डायफ्राम, ओहो क्या ही लिख दिया, सॉरी, हाँ जिससे मेरे को लगता बोर महसूस करते हो ना, को
पुल डाउन करती है और इससे क्या होगा, सक्शन सक्शन होगा, ठीक है। इस बात को अपने ध्यान में रखेंगे। और रिटर्न स्प्रिंग के द्वारा डिलीवरी होगी, ये चीज भी आप लिख लो कि रिटर्न स्प्रिंग के कारण क्या होगी, डिलीवरी होगी। ये था अपना इलेक्ट्रिक पंप के बारे में। अभी तक अपनों ने फ्यूल फ्यूल पंप को अपनों ने कंप्लीट कर दिया, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही था। एमसीक्यूज करो, दबा के एमसीक्यूज करो, जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो अपनों ने कर चुके हैं। कल अपने बात करेंगे कार्बोरेटर को, 2 दिनों में कार्बोरेटर खत्म होगा। थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है, ठीक है, 2 दिन में हो जाए तब भी अच्छा है, पर 2 दिन में अपने कर देंगे, ठीक है। 2 दिन के अंदर अंदर अपना कार्बोरेटर खत्म हो जाएगा, देन अपने मूव ऑन कर जाएंगे लुब्रिकेशन सिस्टम वगैरह पे। लुब्रिकेशन के बाद में, लुब्रिकेशन सिस्टम अपना अगर आप देखना चाहते हो तो लुब्रिकेशन सिस्टम भी 2 दिन में खत्म होगा। तो जितने जितने ये पॉइंट है ना, लुब्रिकेशन सिस्टम हो गया, कूलिंग सिस्टम अगर मैं बात करूं तो कूलिंग सिस्टम थोड़ा सा लंबा चलेगा क्योंकि इसमें वाटर कूल्ड और एयर कूल्ड है, ये 3 दिन में खत्म हो जाएगा, ठीक है। मतलब अगर अपने कार्बोरेटर 2 दिन में खत्म हो रहा है, मैं बात करूं यदि आपसे, अब आप जो जाना चाहता है वो जा सकता है, जो रुकना चाहता है, जो थोड़ी बातें सुनना सुनना चाहता है वो सुन सकता है। 2 दिन में अपने कार्बोरेटर को खत्म कर लेंगे, ठीक है। 2 दिन में अपने लुब्रिकेशन सिस्टम को खत्म कर लेंगे, लुब्रिकेशन को 2 दिन में कूलिंग सिस्टम को खत्म कर लेंगे। और वही मैं बात करूं, कूलिंग सिस्टम 3 दिन में, हाँ, यदि मैं इग्निशन सिस्टम की बात करूं तो इग्निशन सिस्टम अपना लगभग लगभग 2 या 3 दिन में पूरा होगा। मैं मानता हूं 2 दिन में इग्निशन सिस्टम पूरा हो जाएगा, इग्निशन सिस्टम पूरा हो जाएगा। कंबसन चैम्बर जो है वो भी 2 दिन अपना ले जाएगा, कोई कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है कि कंबसन चैम्बर अपना 2 दिन में अपना कंबसन चैम्बर अपना 2 दिन खा जाएगा। और फिर अपने पास बचेगा 3 दिन में अपना इंजेक्शन सिस्टम पूरा होगा, इंजेक्शन सिस्टम जिसे अपने MPFI और CRDI कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन, ये सिस्टम अपना पूरा। वैसे अगर इनकी बात करें तो इनको तो मैं आपको 1 दिन में ही करवा सकता हूं, परंतु मैं चाहता हूं कि आपको पूरे का पूरा पूरा जो सिस्टम है, जिस प्रकार से अपनों ने पेट्रोल के बारे में पढ़ा है, एयर सप्लाई सिस्टम, उसी प्रकार से अपने डीजल को भी कर लें, कुछ कोई चीज रहे ना अपने द्वारा, ठीक है। बाकी बात की बातें हैं, देखो मेहनत करना अपने हाथ में है और उसके बाद में ये कंप्लीट हो जाएगा 3 दिन में। तो अब आप देख लो, 2 4 7 4 7 2 2 वीक तो इसको चाहिए, 2 वीक इसको चाहिए। और नेक्स्ट उसके बाद में 3 4 दिन अपने को चाहिए जिसमें कुछ और कुछ एक बातें और करेंगे, और एक मंथ तो नहीं, 20 दिन अपने को लगभग, हाँ लगभग 20 दिन अपने को दूसरी जो अपना परफॉर्मेंस है उसके लिए चाहिए। वैसे तो वो जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा, मुझे लगता है 20 दिन में भी नहीं, 20 दिन से पहले ही हो जाएगा, पर वो डायनेमोमीटर वगैरह और मोरिस टेस्ट वगैरह है, तो उस कारण से वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होगा, और कोई बात नहीं है। अच्छे से पढ़िए, देखो मैं अभी 100% अपने रेडी हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आपके आप उस चीज की चिंता ना करें, आपका सिलेबस कंप्लीट की सिलेबस आपका मेरे को लगा, मैंने ना क्या हुआ वहां पे नीचे लाइव वाला देख रहा था, मैं क्या यार कि मैंने 0-0 क्यों है यहाँ पे लाइव पे, मतलब यहाँ पे अगर कैसे देखते हो यहाँ पे 59 मिनट हो रखे हैं। तो अच्छे से मेहनत करिए, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है आप पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है। और बुक वगैरह का अगर आप मुझसे पूछना चाहते हो कि मैंने अभी थोड़ा सा 1-2 बुक और मंगवाऊंगा, अभी मैंने एक तो मैंने मंगवाई है, इसको इरेज कर देते हैं ना, एक तो उपकार वाली मंगवाई है मैंने, ठीक है, जो MCQs के लिए थी स्पेशल, मुझे उसमें कुछ डिसेंट लगे, मतलब बहुत लो लेवल के लगे। एक BPSC की है, BPSC ऑटोमोबाइल की, सिर्फ मैं ऑटोमोबाइल की बात कर रहा हूं,
ऑटोमोबाइल की बात कर रहा हूं मैं। बीपीएससी दोस्त ने मंगाई है, वो भी एमसीक्यूज की है, तो उसमें थोड़े से मीडियम लेवल के हाँ एमसीक्यूज हैं, अपने लिए मीडियम लेवल इनफ है। अरिहंत की एक आती है, अरिहंत की वो अभी तक मैंने नहीं मंगवाई है, उसको मैं थोड़ा समय बाद में मंगवाऊंगा। कृपाल सिंह की बात करूं, कृपाल सिंह तो वो बुक मेरी हाँ जो थ्योरी की है, ये बुक मेरी आ जाएगी, ये फ्राइडे को आने वाली है। अच्छा, उसके बाद में और बुक कौन सी, आर एस खुरमी में भी एमसीक्यूज दे रखे हैं ऑटोमोबाइल से, आप वहां से कर सकते हो, वो आपको एक अच्छे लेवल, एक मीडियम लेवल के एमसीक्यूज आपको वहां से दिखने के लिए मिल जाएंगे। कृपाल सिंह के जो एंड में एमसीक्यूज दिए होते हैं हर एक टॉपिक के, वहां पर आपको एमसीक्यूज देखने के लिए मिल जाएंगे। एक बुक ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की एस चंद की भी आती है, जो पब्लिकेशन शायद आर एस खुरमी वाला पब्लिकेशन है, मुझे याद नहीं वो पब्लिकेशन कौन सा है, तो एस चंद की आती है, उसमें आपको थ्योरी प्लस एमसीक्यूज दोनों ही मिलेंगे, तो वो भी बुक मैं मंगवाऊंगा। तो ये बुकें आपके लिए आएंगी जिस वक्त अपने एमसीक्यूज करेंगे, और मुझे नहीं लगता कि इन बुक से बाहर आपको कुछ भी पूछा जाएगा कि मतलब ये बुक मेरे पास है, ये दो बुकें मेरे पास है, कृपाल सिंह आ जाएगी, आर एस खुरमी मेरे पास है, एस चंद में जब अपने एमसीक्यूज पे मूव ऑन कर जाएंगे तब मैं एस चंद को भी ऑर्डर कर दूंगा, वो भी 4-5 दिन के अंदर अंदर आ जाएगी, या उसका किंडल एडिशन में खरीद लूंगा। यदि आप बीपीएससी वाली ये बुक खरीदना चाहते हो तो इसका आपको सिर्फ किंडल एडिशन ही मिलेगा अमेजोन पे, ये आप पेपर वाली नहीं मिल सकते कि आपको हार्ड कॉपी नहीं मिलेगी, सॉफ्ट कॉपी किंडल में मिलेगी। उपकार वाली ये बुक आपको लगभग 110 रुपए की मिलेगी, अरिहंत वाली डिलीवरी चार्ज वगैरह लगा के ये आपको 150 तक की मिलेगी। कृपाल सिंह की मैंने मंगवाई है 300 की, आर एस खुरमी मेरे पास पड़ी है, यदि किसी ने मंगवानी है तो 500 या 550 की पड़ेगी। एस चंद वाली भी यदि अपने पेपर की बात करें जो मतलब हार्ड कॉपी है वो 450-500 पड़ेगी, परंतु यदि आप किंडल एडिशन लेते हो जो अमेजोन का किंडल है तो वहां पर ये 350 की पड़ेगी। ये बुक है, अगर मुझे और लगा तो एक आर के राजपूत की बुक आती है, वो बुक भी अपने ऑर्डर कर लेंगे, पर वो थ्योरी के लिए मुझे है कि मतलब थ्योरी अपनी इनमें से सभी में से कंप्लीट हो जाएगी, थ्योरी में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती, एमसीक्यूज अपने अगर इनमें से कर लेते हैं तो इनफ होंगे, वो बहुत मोर देन इनफ होंगे। मुझे ऐसा लगता है कि यार इतना अगर कोई पब्लिकेशन अपनी बुक दे रही है तो वो बंदे को सोच और समझ के देते हैं, तो ये ऑप्शन है आपके पास यदि कोई बुक मंगवाना चाहता है। नहीं मंगवाना चाहता सबसे बेटर है, आपको सब कुछ अवेलेबल करवा दिया जाएगा, कोई घबराने वाली जरूरत नहीं है। चलिए आज का सेशन यही खत्म करते हैं, आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, ठीक है, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, सब्सक्राइब पूरा नहीं लगते इंजीनियर है ना इसलिए, और टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हो, नीचे लिंक भी दे रखा है कि टेलीग्राम का। धन्यवाद।